Students, this is the second chapter from your textbook, Flamingo. The chapter is Lost Spring. Today I am going to explain the Hindi translation of the whole chapter, paragraph wise. So let's start. सबसे पहले chapter का जो title है उसे discuss करते हैं. Lost Spring, खोया हुआ बसंत. Stories of stolen childhood, खोए हुए बचपन की कहानियाँ. ऑथर के बारे में जानते हैं. अनीस जंग 1964 वॉज बॉर्न इन राउरकेला. अनीस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ था एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना बचपन बिताया था एंड एडोलेसेंस और किशोर अवस्था इन हैदराबाद में. यानी कि अनीस जंग ने अपनी किशोर अवस्था और बचपन को हैदराबाद में बिताया था. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी प्राप्त की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके माता पिता दोनों ही लेखक थे. अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया. अनीस जंग ने अपना कामकाज यानी कि करियर एक लेखक के रूप में भारत में ही शुरू किया. शी हैज़ बीन एडिटर. वो एक संपादक रही हैं एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, और छोटे छोटे लेख लिखने वाली रही हैं बड़े बड़े अखबार जो भारत के भी थे एंड अब्रॉड और विदेश के भी थे. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring. और ये जो अध्याय है Lost Spring, वो उनकी बचपन की खोई हुई कहानियों का ही एक शीर्षक है. Here she analyzes the grinding poverty. यहाँ पर वो गरीबी का विश्लेषण करते हैं and traditions, उन परंपराओं का which condemn these children, जो इन बच्चों को मजबूर करती हैं टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण भरा जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. कई बार मुझे कूड़े के ढेर में एक रुपया मिल जाता है. व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा. हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जो मुझे हर सुबह मिलता है. स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, जो ढूंढता रहता है. स्क्राउंगिंग ढूंढता रहता है सोना इन द गार्बेज डम्प्स, कूड़े के ढेर में. ऑफ माई नेबरहुड, पड़ोस के ही एक कूड़े के ढेर में, जो रोजाना मुझे सोने का सिक्का ढूंढते हुए मिल जाता है. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपने घर को बहुत पहले छोड़ दिया था. सेड अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच था. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर अब दूर की याद नहीं था. देवर मैनी स्टॉम्स, बहुत सारे तूफान आए. दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिन्होंने उनके घरों को और खेतों को बर्बाद कर दिया. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ऐसा उसे बताती हैं. दैट्स व्हाई ही दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों में सोना पाने के लिए. वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो रहता है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास अब कुछ भी करने के लिए नहीं है. ही मटर्स, वह असंतोष व्यक्त करते हुए कहता है. लुकिंग अवे, और दूर तक देखता है. गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो. आई से ग्लिबली, मैं मूर्खतापूर्ण रूप से उससे कहती हूँ. रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही मुझे एहसास हो जाता है. हाउ ऑल द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो सलाह है वो उसे कितनी खोखली लगी होगी. There is no school in my neighborhood. मेरे पड़ोस में
कोई भी स्कूल नहीं है। When they build one, जब वे कोई स्कूल बना लेंगे, I will go, तो मैं जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask, half joking. यदि मैं स्कूल शुरू करूं, will you come? तो क्या तुम आओगे? I ask, मैंने पूछा, half joking, थोड़ा मजाक करते हुए। Yes, he says, उसने कहा हाँ, smiling broadly, पूरी तरह से मुस्कुराते हुए। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिनों बाद मैंने उसे मेरी तरफ भागते हुए देखा। Is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? It takes longer to build a school. अभी स्कूल बनने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। I say, मैंने कहा। Embarrassed at having made a promise. और मैं शर्मिंदा थी, embarrassed मतलब शर्मिंदा थी, at having made a promise, क्योंकि मैंने वादा किया था, that was not meant, और जो पूरा नहीं हुआ था। But promises like mine are abound in every corner of his bleak world. But promises like mine, लेकिन वादे मेरे जैसे किए गए कई वादे, abound in every corner of his bleak world, उसके उदासी भरे संसार में हर तरफ भरे हुए थे। अबाउंड मतलब भरे हुए थे या पर्याप्त मात्रा में थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, जब मैं कई महीनों में उसे जान गई, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, ही अनाउंसेस, उसने तेजी से बताया, साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं पता था कि इसका अर्थ क्या होता है। If he knew its meaning, यदि वह उसका अर्थ जानता, Lord of the universe, कि ब्रह्मांड का मालिक, he would have a hard time believing it, उसे वास्तव में बहुत समय लगता इसे इस बात का विश्वास करने में। Unaware of what his name represents, और इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है, he roams the streets with his friends, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता था। रोम्स मतलब घूमता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, एक नंगे पैर वाले लड़कों की सेना जो सुबह के समय पक्षियों की तरह आती है, एंड डिसअपीयर एट नून, और लुप्त हो जाती है शाम के समय। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और महीनों में आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। माई मदर डिज नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, मेरी माता जी उन्हें अलमारी से नीचे उतारती ही नहीं है, ही आंसर्स सिंपली, उसने बड़े ही साधारण तरीके से जवाब दिया। इवन इफ शी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि वो उतार भी देती हैं तो मैं उन्हें फेंक देता हूँ। एट्स अनदर, एक दूसरे लड़के ने कहा, हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो एक दूसरे से मैच नहीं करते थे, अर्थात दोनों पैर में अलग अलग तरीके के जूते थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं उस पर कोई टिप्पणी करती हूँ तो वो अपने पैरों से जूतों को रगड़ता है और कुछ भी नहीं बोलता। I want shoes, मुझे जूते चाहिए, says a third boy. तीसरे लड़के ने कहा, who has never worn a pair all his life, जिसने कभी भी अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं पहने थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. जब मैं पूरे देश में ट्रैवल करती हूँ या कर रही थी, I have seen, मैंने कभी भी नहीं देखा बच्चों को walking barefoot. मैंने बहुत से बच्चों को बिना जूते पहने घूमते हुए देखा। In cities, शहरों में, on village roads, और गांव की सड़कों पर। It's not lack of money,
ये केवल पैसों की कमी की वजह से नहीं था बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन ट्रेडिशन परंपरा है नंगे पैर घूमने की, इज वन एक्सप्लेनेशन, ये बस एक व्याख्या ही है। आई वंडर इफ दिस इज ऑनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, और मुझे आश्चर्य होता है कि ये वास्तव में एक बहाना है यह बताने का अवे एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी कि शाश्वत रूप से जो गरीबी है वो फैली हुई है। आई रिमेम्बर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, उडीपी नामक एक जगह है, वहाँ के एक आदमी ने मुझे बताया, अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि एक जैसे कि एक युवा लड़का जब स्कूल जाता था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह थोड़े समय के लिए मंदिर में रुक जाता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और पूजा करता था कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उस टाउन में उस नगर में दौरा किया, एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर, और वह मंदिर जो कि अब ड्रोन डूब गया था या ख़त्म हो गया था, इन एन एयर ऑफ हवा में। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, इन द बैकयार्ड पीछे की तरफ जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का जो कि ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए था, वियरिंग शॉक्स एंड शूज, जिसने जुराब और जूते पहन रखे थे, अराइव्ड पेंटिंग, वो हाँफते हुए वहाँ पहुँचा, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैट, और उसने फेंक दिया अपना स्कूल का बैग एक फोल्डिंग बैट पर। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, मुझे एक अन्य लड़के को याद आई जो देवी से पूजा कर रहा था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और बाद में उसे अंतिम रूप से एक जोड़ी जूते मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम, अब ये मुझसे छीनने नहीं चाहिए, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी पूजा को स्वीकार कर लिया, यानी कि उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, युवा लड़के उस पुजारी के बेटे की तरह ही अब जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पैकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अन्य और कूड़ा चुनने वाले जो मेरे पड़ोस में रहते थे रिमेन शूलेस, उनके पास जूते नहीं थे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, उन नंगे पैर वाले कूड़ा चुनने वाले बच्चों के साथ जो मेरी पहचान है लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी लेके गए, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली से बाहर है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और अभी भी इससे मीलों दूर है, मेटाफोरिकली और इसके विपरीत भी है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, वे सब जो यहाँ रहते हैं स्क्वेटर्स, वो यहाँ पर आकर बस गए हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहेब फैमिली इज अमंग देम, और साहेब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देना विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक खाली स्थान हुआ करता था, विल्डरनेस मतलब खाली स्थान, इट स्टिल इज,
आज भी ये ऐसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तरपोलिन, कच्चे झोपड़ियाँ बनी हुई हैं विद रूफ्स ऑफ टिन, जिस पर टीन की छत पड़ी हुई है और तिरपाल की। डिवॉइड ऑफ सेवेज, वहाँ पानी की निकासी के लिए कुछ भी नहीं है, ड्रेनेज नालियाँ भी नहीं हैं और रनिंग वाटर, और ना ही बहते हुए पानी के लिए नालियाँ हैं। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर 10,000 कूड़ा चुगने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी, वे यहाँ रहते हैं 30 साल से भी ज़्यादा से विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, यानी कि उन पर कोई भी पहचान पत्र वगैरह नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इन सभी पर राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वाटर्स लिस्ट, जिसकी वजह से वाटर लिस्ट में इनके नाम भी लिखे हुए हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इससे उनको अनाज खरीदना के लिए आसानी हो जाती है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, भोजन बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, किसी पहचान से भी ज़्यादा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमैक, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंतिम समय में यदि हम अपने परिवार को खिला पाएँ और गो टू बेड, और बिस्तर पर चले जाएँ विदाउट एन एकिंग स्टोमैक, बिना किसी पेट दर्द के, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, हम बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे ऐसी जगह रहना, उन फील्ड्स खेतों की बजाय जो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं देते। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ऐसा कहती हैं कुछ महिलाओं का समूह इन टैटर्ड साड़ीज, जो फटी पुरानी साड़ी पहने हुई थी। When I ask them, जब मैं उनसे पूछता हूँ, why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि उन्होंने अपनी सुंदर हरी भरी धरती को, खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया। Wherever they find food, they pitch their tents and become transit homes, उन्होंने बताया कि जहाँ कहीं भी हमें भोजन मिलता है, उन्हें भोजन मिलता है, they pitch their tents, वो अपने टेंट गाड़ लेते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो बन जाते हैं ट्रांजिट होम्स, यानी कि जिन्हें दोबारा भी कहीं और ले जाया जा सकता है, ऐसे घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में पलते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो सहभागी बन जाते हैं इस जीवन जीने की कला में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीना, जीवन जीने का मतलब है रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा चुगना। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, इट हैज़ रिक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, इन लोगों ने अपनी इस कूड़ा चुनने की कला में निपुणता पा ली है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उन सभी के लिए कूड़ा सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि ये उनकी डेली जीविका का साधन है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, जिसकी वजह से उनके सिर पर रूफ, छत मिल जाती है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, कोई बात नहीं, भले ही वो छत चू रही हो, यानी कि उसमें पानी टपक रहा हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, बट एक बच्चे के लिए ये बहुत कुछ होता है। I sometimes find a rupee, कई बार मुझे एक रुपया मिल जाता है, even a 10 rupee नोट, और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी। साहिब says, साहिब कहता है, his eyes lighting up, कि उसकी आँखों में रोशनी भर जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको मिलता है एक सिल्वर का सिक्का कूड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप उसे खोजना
और भी नहीं रोकते हैं। फॉर देर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं कुछ और ज़्यादा मिलने की आशा होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, कूड़ा उनके लिए एक अलग अर्थ रखता है अपने माता पिता की सोच से भी कहीं अलग। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटा हुआ होता है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए यह जीवन जीने का एक स्रोत होता है। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सुबह सर्दियों में, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैं साहेब को देखता हूँ कि वह खड़ा है पड़ोस के एक क्लब के गेट की दीवार के पास। वॉचिंग टू यंग मैन, जो कि देख रहा है दो युवा लड़कों को ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए। आई लाइक द गेम, मुझे गेम अच्छा लगता है, ही हम्स, वह गुनगुनाते हुए कहता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंसी, वो इसे देख रहा है और बहुत ही संतुष्ट है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंसी, और वो उस चार दीवारी के पीछे खड़ा है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब वहाँ कोई भी नहीं होता। ही एडमिट्स, वो ऐसा स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो वहाँ का चौकीदार होता है, लेट्स मी यूज, मुझे झूले पर झूलने देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस के शूज पहने हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि अजीब दिख रहे हैं उसकी रंगहीन शर्ट पर और निक्कर पर। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो स्पष्टीकरण देने के रूप से ऐसा बोलता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सही बात यह है कि वे किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते होते हैं। हु परहैप्स, जिसने शायद रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया था टू वेयर देम, उन्हें पहनने से, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में एक छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहब को ऐसे जूतों से भी कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर घूमता हो, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए छेद हुए हुए जो शूज होते हैं वो एक सपने से कम नहीं होते। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो अटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा है वो वास्तव में उसकी पहुँच से दूर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहेब एक दूध बेचने वाली दुकान के रास्ते पर था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्मॉल डाउन द रोड, मैं अब एक चाय की दुकान पर इसी सड़क पर है जो उस पर काम करता हूँ। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी की तरफ इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और सारा भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें जॉब पसंद है? आई आस्क, मैं उससे पूछता हूँ। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुली लुक, मैं उससे पूछता हूँ, उसका चेहरा मैं देखता हूँ कि चिंता मुक्त जो
चेहरा होता है उसे खो बैठा है. द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग. जो स्टील का कनस्तर है वो उसके प्लास्टिक बैग से कहीं ज़्यादा भारी है. ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. जो वो ले जा रहा है अपने कंधे पर रख के. द बैग वॉज हिज. वह बैग उसी का ही है. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. जबकि जो कनस्तर है वो उस आदमी का है जो उस टी शॉप का मालिक है. साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश जोर देकर कहता है कि मैं उसका मालिक बनना चाहता हूँ. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. मैं एक मोटरकैनिक बनूंगा. ही अनाउंसेस. वह घोषणा करते हुए कहता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स. आई आस्क. मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. मैं कार चलाना सीखूंगा. ही आंसर्स. वह जवाब देता है. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. सीधे मेरी आंखों में देखते हुए. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरर अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. उसका सपना उतना ही चमकीला है मानो कि एक हिरन धूल भरी गलियों में खड़ा हो. दैट फील्स टाउन फिरोजाबाद. जो कि उसके अपने ही नगर फिरोजाबाद को भर दे. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोजाबाद की हर फैमिली व्यस्त रहती है चूड़ियाँ बनाने में. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. यह भारत की कांच बनाने वाली उद्योग का केंद्र है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. जहाँ पर सभी पीढ़ियों ने अपना समय बिताया है इन भट्टियों के चारों तरफ काम करते हुए. वेल्डिंग ग्लास. ग्लास में वेल्ड करते हुए. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. और सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में ऐसा लगता है. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. और मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स. उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि यह गैर कानूनी है बच्चों के लिए टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस. कि वो इन कांच की चीज़ें बनाने वाली भट्टियों में काम करना विद हाई टेम्परेचर्स ऊँचे तापमान पर. इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. इन ऐसी ऐसी कारखानों में जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट भी नहीं है और हवा भी नहीं है. दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड. यदि नियम लागू हो जाए कुड गेट हिम. तो वो इसे पकड़ सकता है. एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द होट फर्नेसेस. और 20,000 बच्चे जो इन गर्म भट्टियों में काम करते हैं उन्हें बाहर भी निकाल सकता है. वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स. जहाँ पर वे अपने डे लाइट आवर्स यानी कि दिन और रात काम करते रहते हैं. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. यहाँ तक कि वो खो बैठे हैं ब्राइटनेस चमक ऑफ देयर आइज. अपनी आँखों की रोशनी भी खो बैठे हैं. मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. मुकेश की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वह मुझे अपने घर ले जाना चाहता है. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट. जिसे वो गर्व से कहता है कि अब वो दोबारा बन गया है. वी वॉक डाउन स्टिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज.
हम नीचे की तरफ जाते हैं स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियों में चॉक्ड विद गार्बेज जो कूड़े से अटी पड़ी हैं, पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, हम ऐसे घरों से होकर गुजरते हैं दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स जो जर्जर दीवारों से बनी हुई हैं, वॉपी डोर्स और लड़खड़ाए हुए दरवाजे उन पर लगे हैं, नो विंडोज, उनमें खिड़कियाँ भी नहीं हैं, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेबल स्टेट, और वहाँ पर मानवीय परिवारों और जानवरों की इस तरह से भीड़ थी, को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेबल स्टेट जैसा कि पुराने समय में होता था। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही स्टॉप्स, वह रुक जाता है एक ऐसे घर के दरवाजे पर, ब्रिंग्स अ बॉबी आयरन डोर विद हिज फुट, वह लड़खड़ाते हुए लोहे से बड़े दरवाजे को अपने पैर से मारता है, एंड पुशेस इट ओपन, और इसे धक्का देकर खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी नुमा घर में प्रवेश करते हैं, इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थेस्ड विद ट्रेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टॉव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पेनिश लीव्स, सूखी ग्रास घास से एक फायरवुड स्टॉव, वहाँ पर एक लकड़ी से जलने वाला एक स्टॉव यानी कि चूल्हा भी है, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा है, ऑफ सिजलिंग स्पेनिश लीव्स, जिस पर पालक के पकने की आवाज़ आ रही है। ऑन द ग्राउंड, धरती पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की प्लेटर्स, प्लेटों में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ कटी हुई सब्जियां भी रखी हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक फ्रेल कमजोर सी युवा महिला खाना बना रही है शाम के लिए पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, यहाँ तक कि उसकी आंखें धुएं से भरी पड़ी हैं, शी स्माइल्स, लेकिन वो मुस्कुरा रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उसे देखकर लगता है कि वो ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है। She has begun to command respect as the बहू, और सम्मान के रूप में सब उसे बहू कहते हैं। The daughter-in-law of the house, वह उस घर की बहू है। Already in charge of three men, her husband Mukesh and their father, और वह वहाँ तीन लोगों की देखरेख करती है, जिसमें एक उसका पति है, मुकेश है, और उसके पिताजी हैं। When the other man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जैसे ही बूढ़ा आदमी घर में प्रवेश करता है, वह सज्जनतापूर्वक withdraws behind the broken wall, टूटी हुई दीवार के पास खड़ी हो जाती है, and brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे को अपने पल्लू से ढक लेती है, as custom demands, जैसा कि रीति रिवाज होता है। Daughters in law must veil their faces before male elders, बहुओं को अपना चेहरा ढकना होता है before male elders, बड़े लोगों के सामने। In this case the elder is an impoverished bangle maker, और इस मामले में जो बड़ा व्यक्ति आता है वह एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई साल तक मेहनत करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर के रूप में, देन अ बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वह एक मकान नहीं बना पाया। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, वह अपने दोनों लड़कों को स्कूल भी नहीं भेज पाया।
ऑल ही इज मैनेज टू डू इज टीच देम, जो कुछ वह कर पाया वो था टीच देम, उन्हें ये सिखाना कि वॉट ही नोज, जो भी कुछ वह जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैंगल्स, और वो था केवल चूड़ी बनाना। यानी कि वह केवल उन्हें अपनी एक कला जिसे वो जानता था चूड़ी बनाना वही सिखा पाया। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। ये उसका कर्म है अर्थात उसकी नियति है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी जी ऐसा कहती हैं। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसने अपने स्वयं के पति को देखा था अंधे होते हुए उस धूल से जो उन कांच की चूड़ियों की पॉलिश करते हुए आती थी। कैन अ गॉड गिवन लीनियज ईवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर द्वारा दिए गए वंश को तोड़ा जा सकता है, शी इम्प्लाइज, वह ऐसी बात को बढ़ाते हुए कहती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्म लेने पर दे हैव सीन नथिंग, वो कुछ भी नहीं देखते बट बेंगल्स, केवल चूड़ियों के। इन द हाउस घर में, इन द यार्ड यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्टेट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में, स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे देखते हैं, सनी गोल्ड, जो सूरज की रोशनी जैसे सुनहरे होते हैं, पैडी ग्रेन, हरे धान के खेत की तरह होते हैं, रॉयल ब्लू, राजसी नीले कलर की होती हैं, पिंक, गुलाबी, पर्पल, बैंगनी, और एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, और हर उस कलर की होती हैं जो कि इंद्रधनुष के सात कलरों में से निकलते हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, वो ढेरों पड़ी रहती हैं साफ ना किए हुए आंगन में, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और ढेर लगा होता है चार पहिए वाले थैलों में, पुश्ड बाय यंग मैन, जिन्हें युवा लोग धकेलते हैं अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंची टाउन, उस गंदगी भरे शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में से, एंड इन डार्क हट मैंट्स, और उस अंधकारपूर्ण झोपड़ियों में ही, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और तेल के दियों से जलने वाली रोशनी में ही, सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे रहते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने माँ बाप के साथ, वेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, वे रंग बिरंगी कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं चूड़ियों को गोल से देते हुए। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आँखें उस अंधकार को में ही एडजस्ट हो चुकी हैं, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी से भी कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे ओफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, वो अपनी आँखों की ज्योति खो बैठते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट, युवा होने से पहले। सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैब पिंक ड्रेस, सविता एक युवा लड़की जो गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वूमेन, वह बैठी हुई है एक बूढ़ी महिला के साथ, सोल्डरिंग पीसीस ऑफ ग्लास, वह कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि एक मशीन के चिमटे तेज़ी से चलते हैं। आई वंडर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, मुझे आश्चर्य है कि क्या वो इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, सी हेल्प्स मेक, जिनकी मदद से वो उन्हें बना पा रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती है,
ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज और शादी की पवित्रता भी। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, उसे अचानक ही महसूस होगा वन डे, एक दिन, व्हेन हर हेड इज ट्रैप्ड विद अ रेड वेल, जब उसका सिर ढक जाएगा एक लाल रंग के पर्दे से। हर हैंड्स ड्राइड रेड विद हिना, और उसके हाथ भी रंग जाएंगे लाल रंग की मेहंदी से। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस, और चूड़ियां उसकी कलाइयों पर होंगी। शी विल देम बिकम अ ब्राइट, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस बूढ़ी महिला के समान जो उसके पास बैठी है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कई साल पहले सुहागन बन गई थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उन्होंने अभी भी अपनी कलाई पर चूड़ियां पहन रखी हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त कभी भी शेर भर खाना भी उन्होंने नहीं खाया। शी सेज, वो ऐसा कहती हैं, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक धीमी सी आवाज़ में जिसमें प्रसन्नता नहीं है। शी हैज नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पूरे भोजन का आनंद नहीं लिया। दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड, यही कुछ है जो बस उन्होंने कमाया है। हर हस्बैंड, अपने पति को, एन ओल्ड मैन, जो कि एक ओल्ड मैन है, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, जिनकी एक लंबी सी दाढ़ी है, सेज, वो ऐसा कहती है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं कुछ भी नहीं जानता सिवाय चूड़ियों के। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस जो कुछ मैंने किया है वो एक घर बनाया है अपने पूरी परिवार को रहने के लिए। हियरिंग हिम, उन्हें सुनने के बाद वन वंडर्स, कोई भी चकित हो जाएगा, इफ़ ही हैज अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उन्होंने कम से कम उतना तो प्राप्त कर लिया है जितना अन्य लोग विफल हो जाते हैं पूरे जीवन में। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके सिर पे कम से कम एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग, पैसे का ना होना किसी भी अन्य काम को करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिवाय उन चूड़ियाँ बनाने के काम के अलावा। नॉट इवन इनफ टू ईट, उन्हें पर्याप्त रूप से खाने को भी नहीं मिलता है। रिंग्स इन एवरी होम, और यही बात तेज तेज उनके कानों में चिल्लाहट के रूप में बजती रहती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा लोग हैं वो भी उन बूढ़े लोगों की बातों पर विलाप करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, और जो छोटे हैं वो समय के साथ साथ इसी काम को करते रहते हैं इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइल्ड नंबिंग टॉयल, और सालों इस काम को करते करते हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, वो खो बैठे हैं किसी भी नए प्रयास को और अपने सपनों की योग्यता को। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इन टू अ कोऑपरेटिव, आप लोग एक समूह क्यों नहीं बनाते हैं इन टू ए कोऑपरेटिव, जो सहयोग देने वाला हो, अर्थात आप सहयोग देने वाले एक समूह में शामिल क्यों नहीं हो जाते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं एक युवा लड़कों के समूह से पूछता हूँ, हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो लालची बिचौलियों के जाल में फंस गए हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उनके पिताओं को और उनके दादाजी जो हैं उन्हें भी फंसा रखा था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम समूह बना लें, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम सबको पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें जेल भेज दिया जाएगा कुछ
गैर कानूनी करने के कारण। दे से, वो ऐसा कहते हैं। देर इज नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम, शी थिंक्स डिफरेंटली, जो उनकी मदद कर सके कुछ अलग करने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी उतने ही थक चुके हैं जितना कि वो। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल, वो लगातार बिना रुके बोलते रहते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और ये बातें चलती जाती हैं गरीबी से लेकर घृणा तक, लालच तक और अन्याय तक। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं देखता हूँ दो अलग अलग संसार। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार, कोट इन अ वेब ऑफ पावर्टी, जो फंसा हुआ है गरीबी के जाल में, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और एक बोझ तले दबा है जाति के अपमान में, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो जन्मे हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द शाहूकार्स, मिडल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और जो दूसरी फैमिली है वो साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून की जानकारी रखने वालों, अफसरों और राजनेताओं के चंगुल में फंसा है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन्होंने एक साथ बच्चों पर बोझ लाद रखा है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो उसे चुका नहीं सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट, जैसे ही वो सचेत होता है वो इस बात को स्वीकार कर लेता है, ठीक उसी स्वाभाविक तरीके से एज हिज फादर, जैसे कि उनके पिताजी स्वीकार करते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना का मतलब है हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उनके बढ़ने में शामिल नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश की आंखों में एक चमक की भावना देखता हूँ, आई एम चीयर्ड, मुझे प्रसन्नता होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो बार बार यही कहता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वह एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चलकर जाऊंगा। ही इंसिस्ट्स, वह जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम्हारा सपना है किसी हवाई जहाज को उड़ाने का। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज, वो कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और टकटकी लगाकर धरती की तरफ देखता रहता है। इन हिज स्मॉल मर्मर, उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में, देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट यील्ड टर्न इन टू रिग्रेट, वहाँ पर एक शर्मिंदगी है जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों के सपना देखकर ही खुश है। दैट ही सीज हार्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो वो अपने शहर की गलियों में चलते फिरते देखता है, उन्हीं कारों के सपने से वो संतुष्ट है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद से होकर कुछ ही एरोप्लेन्स गुजरते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट, आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर से व्हाट यू हैव लर्न्ड, आपने क्या सीखा, और वो ये जो इस चैप्टर में जो सीख दी गई है वो ये दी गई है कि वी शुड बी कंटेंट व्हाट वी हैव, हमें हमेशा उन सब चीज़ों से संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास होती हैं। लेकिन फिर भी वी मस्ट ट्राई टू मेक आवर लाइफ बेटर, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप बार बार पढ़िएगा, समझिएगा,
फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs कराऊंगा।